रायसेन से हमारे संवाददाता नवीन यादव की रिपोर्ट। रायसेन में निकली साईं पालकी की शोभा यात्रा। एक ही परिधान में सर पर कलश लेकर निकली महिलाएं। अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। रायसेन में गुरुवार को शहर के बड़े मंदिर से साईं पालकी की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई, जो कि टिपट्टा बाजार, राम जानकी मंदिर, थाना कोतवाली, भोपाल मार्ग, गंज बाजार, श्री हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए रामलीला गेट के सामने पहुंची, जहां श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पतिराम प्रजापति, पूर्व नपा अध्यक्ष राजकुमार यादव सहित अन्य धर्म प्रेमियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके पश्चात शोभा यात्रा का महामाया चौक तहसील कार्यालय के सामने समाजसेवी महेश श्रीवास्तव एवं धर्म प्रेमियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। साईं पालकी शोभा यात्रा सांची मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट कॉलोनी, कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने गोपालपुर से साईं मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं एक ही परिधान में वस्त्र पहनकर अपने सिर पर कलश रखकर साथ चल रही थी। रायसेन से नवीन यादव की रिपोर्ट।